12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस महामारी के दौरान चिकित्सीय स्टाफ नर्स बेहद अहम भूमिका निभा रही हैं। कोरोना काल के दौरान नर्सेस मरीजों का अपनी माँ, बहन, भाई के रूप में मानकर सेवा कर रही हैं। बुधवार को जिला महिला चिकित्सालय में प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर माला कुमारी सिन्हा और अस्पताल की मैट्रन रीता ने केक काटकर बड़े ही सादगी से नर्सेस डे मनाया। अस्पताल की अन्य नर्सों ने इस दौरान फ्लोरेंस नाइटिंगल को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दिया। इस संबंध में डॉक्टर माला कुमारी सिन्हा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन की वर्षगांठ के तौर पर मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगल को विश्व की पहली नर्स कहा जाता है। उन्होंने क्रीमियन युद्ध के दौरान लालटेन लेकर घायल ब्रिटिश सैनिकों की देखभाल की थी। इस वजह से इन्हें लेडी विद द लैम्प भी कहा गया। मरीज की जिंदगी बचाने में जितना योगदान डॉक्टर का होता है, उतना ही एक नर्स का भी होता है। नर्स अपनी परवाह किए बिना मरीज की तन मन से सेवा कर उनकी जान बचाती है। अपने घर और परिवार से दूर रहकर मरीजों की दिन रात सेवा करती है। नर्सों के साहस और सराहनीय कार्य के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दौरान रागनी, श्वेता, संगीता, सकीना, मीना, अंजू, संध्या, सुनीता सहित महिला अस्पताल की अन्य नर्सें मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मैट्रन रीता और महिला अस्पताल की एसआईसी डॉक्टर माला कुमारी सिन्हा ने कहा, इतना बड़ा रोल है, सब मिल करके इसमें जो है मरीजों की सेवा करते हैं ताकि मरीजों को कोई परेशानी ना हो और जो इसको आगे सब लोग नहीं, कुछ लोग ताली बजाएं। सारे कार्य को देखते हुए वो हमारे साथ जो है बिल्कुल बहुत अच्छा सहयोग वाला इनका हमारे साथ व्यवहार है। सहयोग बना के और हमारे हर बात को, हमारी हर परेशानी को भी उन्होंने हमेशा दूर किया। मेरा नाम है रीता, जो मैं नर्स असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हूँ। आज जो है नर्सेस डे जो है मनाया जा रहा है और ये नर्सेस डे जो है वो फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्म के दिवस के अवसर पर मनाते हम लोग, क्योंकि ये उन्होंने ही ये सेवा भावना शुरू किया, तो उन्हीं को याद करते हुए ये नर्सेस डे पूरे दुनिया में मनाया जाता है। ये इस कोरोना काल में जो है हम लोग जो है अपना परिवार को समझाते हैं कि हमको ड्यूटी भी करना है, उनकी भी हमको रक्षा करनी है और सबसे बड़ा दायित्व हमारा हॉस्पिटल की तरफ से है कि हम अपने हॉस्पिटल की सेवा करते हुए घर बार को भी देखते हैं, उनको भी हमें देखना है और हॉस्पिटल के सारे मरीजों की भी हमको सेवा करनी है, जो है उनकी भी देखभाल, उनको भी बताना है कि किस तरह से रहना है, कैसे उनको जो है हाथ धोना है और कैसे मास्क पहन के आना है और किस तरह से रहना है मरीजों को, उनको हम लोग ये सब बताते और यही चीज़ हम अपने घर में भी देखते कि हमारे घर के परिवार के लोग भी किस तरह से रहें और हम घर जा कर के भी उनके साथ थोड़ा सा इसको दूरी बना के उनको समझा करके और घर और हॉस्पिटल दोनों को हम बना कर के बराबर से रखते हैं। हम लोग छोटे स्तर पर उनकी नाइटिंगल फ्लोरेंस के याद में जो है ये छोटे स्तर पर ही कोविड में पूरा ये डिस्टेंसिंग कोविड पालन करते हुए सारा उनका प्रोटोकॉल पालन करते हुए छोटे स्तर पर ही इस साल मना रहे हैं। ये हम लोग के लिए प्रेरणादायक है, इसलिए मनाना भी ज़रूरी है ताकि उनको याद करके हम जो कर्मचारी सभी स्टाफ नर्सेज हैं डॉक्टर हैं वो उनके कदमों पर चलते हुए अपनी सेवा भावना को बनाए रखें इस विपत्त परिस्थिति में भी, और इसीलिए छोटे रूप में ही मना रहे हैं। इन्होंने विश्व युद्ध के समय जो है घायल सिपाहियों की सेवा की थी, उनकी मरहम पट्टी करके इलाज किया था, तो उसी समय से जो है नर्सिंग सेवा शुरू हुआ, तो इसीलिए उनकी याद में मनाया जाता है। और नर्सें जो है हमारे स्वास्थ्य विभाग की पिलर है, ये ना रहे तो अकेले डॉक्टर हम डॉक्टर कुछ भी ना कर पाएंगे। ये सब दिन हम लोग तो एडवाइस करके देख के मरीज को फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर जो हम इनको निर्देश देते हैं ये उनका पालन करते हुए 24 घंटे यही रहती हैं मरीज के पास जो है।
कोई इमरजेंसी में भी मरीज आता है तो पहले ये नर्सेज ही हमारी टेकअप करती है। हम लोग आते 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 हैं तब तक ये आधा इलाज तो ये कर चुकी होती है, प्राइमरी ट्रीटमेंट दे के जान बचा चुकी होती है। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे विभाग में, इनके बिना तो कुछ भी नहीं चल सकता है। अभी हमारी आधे नर्सेज जो है कोविड अस्पताल में चले गए हैं, वहाँ ड्यूटी अपनी सेवा दे रहे हैं, मरीजों की जान बचा रहे हैं।